इस वीडियो की रिक्वेस्ट मेरे पास इंस्टाग्राम पे आई थी। दो तीन लोगों ने पूछा था कि क्या गर्ल्स को वेट ट्रेनिंग करना चाहिए, या फिर जिन गर्ल्स की अभी शादी हुई है या उन्होंने फैमिली प्लानिंग अभी नहीं करी है, तो उनके लिए वेट ट्रेनिंग सही रहेगा? कहीं इन फ्यूचर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम या उन्हें कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बट ये क्वेश्चन उठता क्यों है? इसकी दो वजह हैं। पहले तो ये कि दुनिया भर में ये मिथ फैला हुआ है कि भैया गर्ल्स अगर वर्कआउट करती हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट उठाती हैं, तो उनके मसल्स बन जाएंगे, बॉडी बड़ी हार्ड हो जाएगी, यानी कि वो लड़कों की तरह देखने लगेंगी। और दूसरी प्रॉब्लम मैंने आपको बताई कि इनफर्टिलिटी, यानी कि उनको डर लगता है कि वेट उठाने से उनके फ्यूचर में जब वो फैमिली प्लानिंग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो ये दो ही प्रॉब्लम है, तो इस पर हम डिटेल में बात करें। सबसे पहली जो डाउट है कि गर्ल्स अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हैं तो कहीं बॉडी तो नहीं बन जाएगी, तो ये मिथ है। और ये मिथ क्यों इतना ज़्यादा फैला हुआ है? क्योंकि आप जब जिम जाते हैं आपको पता ही नहीं है कि जिम में होता क्या है, और ना ही आपकी कोई प्रॉपर काउंसलिंग होती। अगर काउंसलिंग होती तो दिमाग में ये कभी आता ही नहीं। सो ये तो दिमाग से निकाल दो कि आप अगर वज़न उठाओगे या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो आपके मसल्स बन जाएंगे, आपकी बॉडी बन जाएगी। गर्ल्स में इतना सफिशिएंट टेस्टोस्टेरोन नहीं होता है कि ऐसी बॉडी बन जाए। और जिन बॉडी फीमेल बॉडी बिल्डर्स को आप देखकर ऐसा सोचते हो तो वो स्टीरॉइड्स पर रहते हैं। आप उनके बारे में नहीं जानते क्या साइकिल वो लोग यूज़ करते हैं, किस तरीके से वो अपने हॉर्मोन्स को चेंज कर लेते हैं कि इस तरह की बॉडी वो बना लेते हैं। बट आप नेचुरली कभी भी इस तरह की लड़कों जैसी बॉडी, हार्ड मसल वाली बॉडी नहीं बना सकते। आपके मसल्स बनेंगे भी तो वो ऐसे अपीयरेंस में नहीं आएंगे। तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दो इस चीज़ को कि आप जिम में जाएंगे, वेट उठाएंगे, आपके बड़े बाइसेप्स बन जाएंगे, बड़े शोल्डर्स हो जाएंगे, आपका स्ट्रक्चर चौड़ा हो जाएगा। आप ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप तो क्या, किसी लड़के का भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने स्ट्रक्चर को, बोन के स्ट्रक्चर को चौड़ा कर ले। ऐसा कुछ नहीं होता, वो अपने मसल मास ऐड कर सकता है, और फीमेल तो चाहकर भी इतना मसल ऐड नहीं कर सकती कि उनका जो शरीर है वो बहुत जॉइंट हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए। सो नेक्स्ट टाइम आप जिम जाएं तो देखें 100 लोग वर्कआउट करते हैं, 100 लोगों की 100 तरह की बॉडी है। किस पे क्या वर्कआउट फॉलो करना है, किस पे क्या वर्कआउट सूट होना है, किसको किस तरह का पैटर्न फॉलो करना है, ये आप अपने गोल के हिसाब से चूज़ करें। आप ट्रेनर से बात करें, ये मेरा गोल है, मुझे लीन होना है, मुझे वेट लॉस करना है, मुझे फैट लॉस करना है, और 100 तरह की एक्सरसाइजेस होती हैं। उसी तरीके से आपका डाइट प्लान होगा और उसी तरीके से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। यानी जैसा वर्कआउट करोगे, जैसा खाओगे, वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जिम जाने से डरें या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ना करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर अब दूसरा जो डाउट था कि इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम, कि गर्ल्स वेट उठाएंगी तो उनके स्टमक पे या फिर हॉर्मोन्स में कोई ऐसी चेंजेस तो नहीं आ जाएंगे कि उन्हें बाद में फैमिली प्लानिंग करने में दिक्कत आए? तो उसका आंसर है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। उल्टा, अगर आप इनफर्टाइल हैं, यानी कि आप एक्चुअल में कंसीव नहीं कर पा रहे, तो एक्सरसाइज करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लोग ऐसा कहते हैं आपसे कि भाई शादी हो गई, अभी जब तक बच्चे नहीं हो जाते आप जिम ना जाएं, वज़न ना उठाएं, ज़्यादा वज़न उठाओगे, लड़कियां हों। ये उल्टा होता है, क्योंकि उनको नहीं पता, वो एक्सपर्ट नहीं है इस चीज़ के, उन्होंने सुनी सुनाई बातें आप तक पहुँचा दी और आपने उस दिमाग पर बिठा ली। उल्टा, अगर आपको सीरियसली इनफर्टाइल की प्रॉब्लम है या फिर आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो एक्सरसाइज एक ऐसी दवा है ना जो आपको 110% रिजल्ट देगी। ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई, मैं नहीं बोल रहा हूँ, फर्टिलिटी सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट है कि जो लड़कियाँ 30 मिनट वर्कआउट डेली करती हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, उनमें इनफर्टाइल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये रिपोर्ट है उनकी, ऑस्ट्रेलिया फर्टिलिटी ऑफ सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया की, और उनकी जो फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव होती है। एक बात को और समझिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है फैमिली प्लानिंग में? जब आप करते हैं, कंसीव करते हैं, तो क्या इम्पोर्टेंट है? आपका बॉडी वेट और आपका BMI, और ये दोनों ही कंट्रोल होना चाहिए, कम रहना चाहिए। ये कैसे कंट्रोल होगा? फिजिकल एक्टिविटी से। आपको किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। एक प्रॉब्लम और देखी गई है कि जो वुमेन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं, वो भी उनको भी कंसीव करने में दिक्कत आती है, तो उनको क्या करना है? जिम जाना है। देखिए, स्ट्रेस मतलब योर हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन, ये स्ट्रेस हार्मोन है। आप जिम जाएंगे, जो जिम जाते हैं उनकी बॉडी में डोपामाइन, एंडोर्फिन, इस तरह के जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और कॉर्टिसोल डाउन होगा। एंड जैसे जैसे आपका स्ट्रेस कम होता है, आपकी बॉडी ज़्यादा रिस्पॉन्स करती है पॉजिटिवली। एंड अब बहुत से लोगों का दिमाग में होगा कि भैया कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए फीमेल्स को, तो मैं आपको बता दूँ कि सबसे बेस्ट, अगर आप जिम नहीं जाते हैं, तो योगा।
आप योगा करिए, और अगर आप जिम जाते हैं तो प्लाटे वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर वुमेंस फॉर वेट लॉस, इंच लॉस, है ना। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आप डेडलिफ्ट करा करें, ट्रैप बार डेडलिफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्वाट्स, फुल स्क्वाट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लैंक करा करें, पेल्विक ब्रिज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पाइनल एक्सटेंशन जो एक्सरसाइजेज होती हैं, ये सारी एक्सरसाइजेज आपको ट्रेनर से डिस्कस करनी है आपके बॉडी गोल के हिसाब से, तो ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन और आता है कि किन वुमेंस को वर्कआउट नहीं करना चाहिए। देखिए IVF और IUI प्रोसेस में हैं अगर आप, अब ये बहुत से लोगों को नहीं पता होगा IVF IUI क्या होता है, तो आप गूगल पे सर्च कर लें, मैं अभी यहाँ बताऊँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। सो अगर आप इस प्रोसेस में हैं IVF IUI में, तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करें, आप जिम ना जाएं, आप उस प्रोसेस को, उस ट्रीटमेंट को कम्प्लीट करें। एंड जब गर्ल्स के हार्ड डेज होते हैं तो स्टार्टिंग के एक दो दिन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ना करें अगर आपको एक्सट्रीम ब्लीडिंग होती है तो, अदरवाइज आप कार्डियो कर सकते हैं और लाइट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये दो कंडीशंस हैं जहां पर आपको वर्कआउट नहीं करना है। ये कुछ क्वेश्चंस मेरे पास इंस्टाग्राम पे आए थे तो सोचा इंपॉर्टेंट है सभी वुमेंस एंड गर्ल्स के लिए। आप लोग किसी की कहीं सुनाई बातों पे मत यकीन करा करिए, आज आपके पास इंटरनेट का ज़माना है, आप देखिए सर्च करिए कि कितनी इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज स्पेशली वुमेंस के लिए। सो आप अपने डाइट पे अच्छा हैं, आप अच्छे से एक्सरसाइज करें जिस तरह से मैं आपको बताया है, उसको फॉलो करें। बहुत सारे प्रोग्राम्स मेरे यूट्यूब पे हैं स्पेशली फॉर गर्ल्स पे, मैंने लास्ट सीरीज निकाली थी, वो भी आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और अच्छी डाइट रखें, क्लीन डाइट रखें। कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।